नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। असेंबली एक्सप्रेस लेकर आज अब आ पहुंचे हैं रोहिणी विधानसभा में। रोहिणी विधानसभा में जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के प्रतिनिधित्व हैं, जो जनता से वोट मांगना चाहते हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर रोहिणी विधानसभा में उनको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या उनके वादे हैं, क्या उनको लगता है कि आखिर जनता उनकी पार्टियों को, उनके नेताओं को आखिर वोट दे तो क्यों दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शालिनी श्रीवास्तव शर्मा जी हैं, हमारे साथ बीजेपी से जय भगवान अग्रवाल जी हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस से वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं सुखबीर शर्मा जी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी रोहिणी विधानसभा की बात की जाएगी, उनसे रोहिणी विधानसभा के मुद्दों के बारे में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, उनसे जवाब मांगे जाएंगे कि आखिर क्या उनको लगता है कि रोहिणी में क्या जरूरत है। शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं शालिनी श्रीवास्तव शर्मा जी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही विधायक यहाँ से 2013 में जीत कर आए थे। शालिनी जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि विधायक भी आपके यहीं से हैं, क्या लगता है क्या काम हुए हैं आपके आम आदमी पार्टी के राज में? देखिए, बहुत सारे काम हुए, उनमें से काफ़ी जो सड़कें टूटी हुई थी और जो एमसीडी अपने काम बराबर से नहीं कर रही थी वो किए हैं। बाकी पाइपलाइन यहाँ सूरज पार्क में डलवाई है, जो पीने की पाइपलाइन पिछले 20 साल से नहीं डल पाई थी और वो लोग गड्ढे का पानी पीने के लिए मजबूर थे, उनमें से बहुत ही प्रशंसनीय कदम रहा है। और जो जल बोर्ड की तरफ से जो भी अनियमितताएँ थी उनको लेके, या आपके जितने भी यहाँ पर स्कूल्स में लेके एडमिशन्स को लेके, या रोहिणी की जो आम समस्याएँ ले हैं उनको उन्होंने काफ़ी हद तक सुलझाने की कोशिश की और अपना फंड एक सही दिशा में इस्तेमाल किया है। देवान जी, क्या लगता है, शालिनी जी ने कहा कि उनका जो कार्यकाल, हालांकि जो आम आदमी पार्टी का रहा 49 दिन का रहा, जो फिर चुनाव आने वाले हैं, एक साल के लिए विधायक रहे, आपको लगता है कि जो इन्होंने काम गिनवाए एक साल में संभव है? आप भी पहले यहाँ पे रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में क्या कुछ काम नहीं हुआ था? केवल वायदे किए हैं, उन वायदों में इरादे नहीं थे। एक भी काम नोट इवन ए सिंगल इस क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में नहीं हुआ। केवल अराजकता, केवल धरने प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये सारी जनता इस पार्क में है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, आप इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक नए पैसा खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल एक साल में सिर्फ धरनों के अलावा कुछ नहीं हुआ। लाइक क्यों, अभी जो आप इन्होंने काम गिनवाए, अगर वादों में इरादे होते तो 45 दिन के बाद सरकार को छोड़कर नहीं भागते, वादे करने के बाद जब वादे पूरे नहीं कर पाए तो सरकार छोड़कर भागना ही उन्होंने उचित समझा। अभी आते हैं आपके पास, कांग्रेस का रुख जान लेते हैं। सुखबीर शर्मा जी हमारे साथ है कांग्रेस से। सुखबीर जी, जो अभी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से गिनवाई गई, जय भगवान अग्रवाल जी ने कहा गया, उनका भी कार्यकाल यहाँ पर रहा है, कांग्रेस कितना इन दोनों की बातों से सहमत है? दोनों ही लोग कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, 20 साल बीजेपी ने काम किया और एक साल इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। खूब में इनको हमने मदद की थी कि भाई आप जो है दिल्ली में सरकार चलाओ, लेकिन ये भाग गए, इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली को भूल गए। जिस दिल्ली ने इनको उठाया और जिस केजरीवाल को ये कोशिश की भाई तुम दिल्ली में लोगों की सेवा करो, और कांग्रेस ने इनकी मदद की, लेकिन ये इमेच्योर लोग हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मालूम नहीं है और ना ही इनके पास ऐसे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें, तो पूरी दिल्ली में क्योस कर दिया। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम से पैरालाइज हो गया, जितना डेवलपमेंट का काम था वो पैरालाइज हो गया। तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, एक काम जरूर किया रोहिणी के बाद, एक काम जरूर किया, ये आपस में झगड़े में लगे रहे, इनका विधायक लगा रहा पंजाब केसरी के पीछे कि उसको पकड़ो, और दूसरा कभी वो जय भगवान जी के पीछे लगा रहा, कभी किसी के, इनका काम ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन ये दिल्ली के रोहिणी के जो एरिया है यहाँ लोगों के सब काम ये भूल गए, कोई काम किया नहीं। नहीं, रोहिणी की ही बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बातें गिनवाई गई, जय भगवान अग्रवाल जी ने भी, जो बीजेपी से उन्होंने भी बातें गिनवाई, आपको लगता है पिछले कुछ सालों में यहाँ काम हुआ है, विकास हुआ है, जो समस्याएं दूर हुई हैं, चाहे पार्टी चाहे किसी की भी रही हो, विधायक किसी का भी रहा हो यहाँ पे? ऐसा है, जब रोहिणी को जब प्लान किया गया था, अगर रोहिणी के आप पीछे जब जाएंगे प्लानिंग के टाइम पे, ये एक इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत बढ़िया सिटी बननी थी, और इसमें सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया, बजट दिया, प्लानिंग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ के जो विधायक से 20 साल बीजेपी के विधायक हमारे साथ ही रहे, इनकी ये भी भूल गए कि यहाँ प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए, यहाँ क्राइम हो गया, यहाँ अग्रवाल जी 20 साल का कार्यकाल, कांग्रेस कह रही है कि 20 साल के कार्यकाल में बीजेपी के यहाँ से विधायक ने कुछ ऐसा प्लानिंग वाला काम नहीं किया जो होना चाहिए था। हाँ,
ये इस बात का प्रमाण में एक बार 5000 से जीते, एक बार 11 से, एक बार 16 से, एक बार 26000 से। बिजली पानी शिवर नाम की यहाँ समस्या नहीं है, वो काम हुआ 20 साल में हुआ, और 20 साल पहले एक भी विद्यालय भवनों में नहीं था। 20 साल में 20 विद्यालय मैंने इस क्षेत्र में बनवाए हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ बनवाई है, SC ST का दफ्तर यहाँ बनवाया, राशन का दफ्तर यहाँ बनवाया, जितने गाँव थे सारे गाँव के अंदर पिछले बार कहाँ चूक रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल जिसका शिलान्यास नरसिम्हा राव जी ने किया था 1991 में, वो बनवाया था 20 साल के अंदर। पिछली बार आपकी कहां चूक रह गई? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पिछली दफा तो एक नई पार्टी उदय हुआ था, नई पार्टी का लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। साले जी लगातार गुमराह की बात जो अभी इन्होंने कही है, लगातार गुमराह की बात, दिल्ली आपकी विधानसभा में भी, दिल्ली के और इलाकों में लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमें गुमराह किया, 49 दिन में वो चले गए, तो क्या आपको लगता है गुमराह जनता होती है? जहां तक आज कोई नहीं गुमराह होती जनता, आज एक आज की राजनीति में किसी इस तरह का कदम लेना, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी छोड़ी थी, एक सिद्धांत होता है, आपको कभी उससे अगर नहीं आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते, तो हमने भी वही करके शुरू किया था। सुषमा स्वराज बावन दिन में भाग गई थी। सुषमा स्वराज नेता बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई, सुषमा स्वराज भी 52 दिन में भागी थी, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, इन्होंने दुष्प्रचार करने की कोशिश की, क्योंकि एक नई किस्म की साफ सुथरी राजनीति है, इनसे इनके फंड पूछ लीजिए, ये जो सड़कों का हर महीने मेकअप कराते हैं और उतारते हैं, अम्बेडकर हॉस्पिटल का हाल क्या है आज के दिन, हॉस्पिटल में जाके देखिए वहाँ का हाल क्या है, हॉस्पिटल की नींव रखवा दी, खुलवा दिया, बहुत बढ़िया, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे मुझे कल का ही केस मालूम है, एक डिलीवरी केस क्या होता, डॉक्टर्स आते तक नहीं है वहाँ पे, ऐसे हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, जो की आपने छत्तीसगढ़ जो ये मोदी का चला रहे हैं चेहरा, और जो एक सशक्त स्टेट का लीडर चाहिए होता है जिसको ये नकारते हैं, उसका क्या अंजाम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। लगातार एक प्रश्न है आपसे, एक सेकंड। फरवरी के माह में कोई भी सरकार हो वो अपना बजट बनवाती है, बजट पेश करती है, बजट पास करवाती है, और अगर भागना हो तो भी सप्लीमेंट्री डिमांड भेजती है, और उन्होंने ना बजट बनवाया, ना पेश किया, ना पास करवाया, ना सप्लीमेंट्री डिमांड भेजी है। एक अप्रैल को सरकार ने जो तनख्वाह बांटनी थी दिल्ली के एम्प्लाई को, एक पैसे भी तनख्वाह नहीं बढ़ती, विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज, जब फाइनेंस मिनिस्टर जाकर रोने लगे आगे अरग तक फैल जाएगी, एक जो फाइनेंस का व्यक्ति जो अपने आप को IRS कहता है, पहला ऐसा साल गया है जिसने ना बजट बनवाया, ना बजट पेश किया, ना बजट पास करवाया, वो 300 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए हैं सब लोगों को। आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं बोलूंगा कि एक बात लगातार हो रही है कि जिस 20 साल से यहां निवास एक बात एक बात कोई गांव होता था एक एक आपकी तरफ से बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी केवल इसलिए था कि यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए, अभी आप ये बताइए मोदी अरे वो कहाँ है जिसने लास्ट चुनाव लड़ा है, ऐसे कोई फायदा नहीं है, राजेश गर्ग कहाँ है ये बताइए मोदी, जवाब नहीं है राजेश गर्ग, तुम कहाँ हो, अराजकता अराजकता रोहिणी कहाँ वो करे, क्या आपको लगता है कि किस तरह क्या लगता है कि जिस तरह से मोदी की बात हो रही है लगातार, तो दिल्ली चुनाव में मोदी का क्या असर पड़ेगा? देखिए क्या लगता है दिल्ली चुनाव में मोदी का क्या असर पड़ेगा? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस मोदी का रथ रोकेगी, और दिल्ली में मोदी का फार्मूला फेल होने जा रहा है, और इनकी लड़ाई दोनों आप लोगों की देख रहे हैं, इनको लड़ाई के अलावा इन्हें कुछ काम नहीं किया है, और दिल्ली के अंदर
खासतौर से रोहिणी क्षेत्र में क्राइम, क्रिमिनलिटी और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, रात को रोड पे निकल नहीं सकती हैं। इसलिए मोदी का जो हाल है और हर आदमी 15 लाख रुपए ढूंढ रहा है मेरे अकाउंट में कहां गए हैं, उस काम को आप देखेंगे। अभी इनका सबका रथ रुकने वाला है और रोहिणी के अब की बार आप रिजल्ट देखेंगे। कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है, दोनों हार जाएंगे। भाई साहब ये बताइए, आपको क्या लगता है मोदी लहर का क्या असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव में? सर पहली बात तो आपने, इन लोगों ने अराजकता की बात की, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर टीवी कार्यक्रम में इतनी अराजकता फैलाते हैं ये लोग कि आदमी को बोलना मुश्किल है। दूसरी बात मोदी की बात है तो भैया ऐसा है कि प्रधानमंत्री के चुनाव से ही अगर स्टेट की लीडरशिप तय होने लगे तो स्टेट का लीडर खाली रह जाएगा। जब तक स्टेट में स्ट्रांग लीडरशिप, अपना एक विजन नहीं होगा, लीडर प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री बने रहेंगे, देश संभालेंगे या स्टेट संभालेंगे, एक पप्पू यहाँ पे पालने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ही सशक्त लीडरशिप दे सकता है, जो अभी तक के सारे सर्वे में भी जाहिर है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं। मोदी लहर की बात हो रही है, मोदी लहर का दिल्ली में क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? विपक्ष कह रहा है कि मोदी लहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ गई है, विकास की चैन की तीन कड़ी है, नगर निगम और दिल्ली सरकार, नगर निगम, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार। आज 20 की कड़ी नहीं है दिल्ली सरकार, आज दिल्ली की जनता ने ठान लिया है जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी दिल्ली का विकास नहीं होगा। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी है आपकी, लेकिन बीजेपी दिल्ली नगर निगम पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, बीजेपी है दिल्ली नगर निगम। एक साल में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 45 दिन की सरकार रही, एक भी व्यक्ति इन्होंने पकड़वाया हो तो बता दो, क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है। करप्शन डिपार्टमेंट के पंख इनके मोदी जी ने आते काट दिए, क्योंकि घिघी बन गई, क्योंकि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट में अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो इन्होंने यहाँ के एंटी करप्शन ब्यूरो के पूरी पावर खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं इनके करप्शन सारे सामने आ जाएंगे। दूसरी बार MCD के आप जरा खाते निकलवाइए सर कि डेंगू डेथ कितनी हुई पिछले सालों में, हम सब त्रस्त रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम में है, क्या उसका भ्रष्टाचार का क्या लगता है, बदनाम है काफी दिल्ली नगर निगम? एकदम दिल्ली को खोखला कर दिया गया है और बीजेपी की जो सरकार दिल्ली नगर निगम में है, सारा यहाँ किसी सोसाइटी के अंदर से कूड़ा नहीं उठता है, कोई काम नहीं है, हाउस टैक्स रिसीव करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। और जितना भ्रष्टाचार आज कॉरपोरेशन के अंदर है वो कभी देखने में आप सोच भी नहीं सकते हो, और यही कॉरपोरेशन बीजेपी को अब की बार यहाँ से डुबो देगी और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं असेंबली एक्सप्रेस में और फिर इन प्रतिनिधियों से फिर जुड़ेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर क्यों आखिर रोहिणी की जनता इनको मिले।